अक्षय कुमार की फिल्म ओएमजी लोगों को काफी पसंद आई थी, जहां इस फिल्म में परेश रावल कांजीलाल जी मेहता के किरदार में थे जो कि नास्तिक होता है। वहीं इस फिल्म की सफलता के बाद ओएमजी 2 की घोषणा की गई, और जहां पिछले काफी समय से यह फिल्म चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसके बाद अब हाल ही में ओएमजी 2 का टीजर भी रिलीज हो चुका है, और जहां लोगों को टीजर काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, वहीं इसमें अक्षय कुमार भगवान शिव के किरदार में नजर आ रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच अक्षय कुमार का एक पुराना बयान काफी सुर्खियों में आ गया है। दरअसल सावन के पावन महीने में शिव अवतार में नजर आने वाले अक्षय का 11 जुलाई को टीजर रिलीज हो गया है। वही टीजर रिलीज के बीच अक्षय का पुराना एक बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वही इस बयान में अक्षय कुमार धर्म पर बात करते नजर आ रहे थे। वही अक्षय का यह बयान सूर्यवंशी की रिलीज को दौरान का है, जब वह एक इंटरव्यू में नजर आए थे। दरअसल सवाल जवाब के बीच अक्षय कुमार ने इंटरव्यू में कहा था कि केवल एक ही धर्म है और वह है भारतीय होना, और उनकी फिल्म भी इसी भावना को दर्शाती है। वहीं इस दौरान अक्षय ने यह भी कहा था कि इसके अलावा और किसी धर्म को नहीं मानते हैं, जहां अक्षय ने आगे कहा था कि मैं केवल भारतीय होने में विश्वास करता हूं और फिल्म भी यही दिखाती है, इसीलिए एक भारतीय होने का विचार और पारसी या हिंदू या मुस्लिम होने का विचार, हमने इसे धर्म के आधार पर नहीं देखा है। वहीं अब हम ओएमजी की बात करें तो इस फिल्म का निर्देशन अमित राय ने किया है। वहीं अक्षय कुमार, यामी गौतम और पंकज त्रिपाठी मुख्य किरदार में नजर आएंगे। वहीं इसके अलावा फिल्म में अरुण गोविल और गोविंद नामदेव जैसे सितारे भी नजर आने वाले हैं, और जहां सभी सितारे फिल्म को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं। वैसे अक्षय कुमार को लेकर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।